नमस्कार दोस्तों, मैं मुरारी शर्मा आज आपको एक ऐसा टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ जो अकाउंटेंट के लिए मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो कॉमर्स स्टूडेंट हो या नॉन कॉमर्स। लेकिन वो अकाउंटेंट बनना चाहता है तो उसे एक कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर में कौन कौन से टॉपिक्स पर ध्यान देना होगा या कौन कौन सी अकाउंट्स मेंटेन करने होंगे, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। कॉमर्स स्टूडेंट या नॉन कॉमर्स स्टूडेंट कोई भी हो, उसे अकाउंटिंग साइकिल आना जरूरी है। उसे ये मालूम होना चाहिए कि एक पूरे अकाउंटिंग साइकिल में 1 अप्रैल से लेकर और 31 मार्च तक उसे क्या क्या काम करने होंगे, और वो हमें बताएगा अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल इसे हिंदी में कहा जाता है लेखांकन चक्र। लेखांकन चक्र में सबसे पहले आते हैं हमारे पास ट्रांजेक्शन्स। होता क्या है, टेली सभी इंस्टीट्यूट पे पढ़ाया जाता है, सभी लोग टेली पढ़ते हैं, लेकिन अकाउंट्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो लोगों का क्लियर नहीं होता है और आगे जाके उन्हें प्रॉब्लम आती है। तो ये प्रॉब्लम आपको आगे फेस ना करनी पड़े, इसके लिए अकाउंटिंग साइकिल की अच्छी खासी नॉलेज होना जरूरी है। सबसे पहले हम जब टेली सीख जाते हैं, कोई भी कोर्स करते हैं अकाउंटिंग का, तो हमें कहीं पर भी जाकर वर्क करना होता है। अब सैद्धांतिक ज्ञान तो हमें कोचिंग्स में मिल जाता है, लेकिन जो प्रैक्टिकल है या जो हमारा व्यवहारिक ज्ञान है वो हमें नहीं मिल पाता। तो हम लोग किस तरीके से कहीं पर भी जाते हैं और डायरेक्टली जिस भी दुकान पे आप जाते हो वहाँ पर जाके किस तरीके से आप स्टार्टिंग करेंगे, वो चीज़ कहाँ से स्टार्ट होगी वो देखें आप। सबसे पहले आता है हमारा ट्रांजेक्शन। जिसे हम बोलते हैं लेन देन या सौदे। लेन देन या सौदों को जिस बुक में लिखा जाता है, सबसे पहले जिस बुक में लिखा जाता है उसे कहा जाता है जर्नल बुक। जर्नल बुक का प्रोनाउंसिएशन होता है ना कि जर्नल। अधिकतर लोग जर्नल बोलते हैं, जर्नल एक कैटेगरी होती है ना कि जर्नल बुक होती है। इसे हिंदी में कहा जाता है रोजनामचा। नाम से ही पता चल रहा है रोजनामचा मतलब रोज लिखना। रोजनामचे की सहायता से खातों का वर्गीकरण किया जाता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है, अलग अलग पर्सन या आइटम के हिसाब से अलग अलग खाते बनाए जाते हैं, जिसमें जिन्हें बोलते हैं हम लेजर्स। लेजर्स को हिंदी में कहा जाता है खाता बही। खाता बही के जो बैलेंसेस निकाले जाते हैं उनको ट्रायल किया जाता है और उसे कहा जाता है ट्रायल बैलेंस। हिंदी में बोलते हैं ट्रायल बैलेंस को तलपट, या कह सकते हैं हम कच्चा चिट्ठा। तलपट बनाना आवश्यक नहीं है, लेकिन हम अपने खातों की गणितीय शुद्धता की जांच के लिए तलपट बनाते हैं। तलपट के बाद बनाए जाते हैं फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट को बोला जाता है अंतिम खाते। अंतिम खातों को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है ये, जिसे हम बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और लास्ट है हमारी बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट होता है हमारा व्यापार खाता, प्रॉफिट एंड लॉस इसे P&L भी कहा जाता है, और यह है लाभ हानि खाता।
लास्ट है हमारी बैलेंस शीट, जिसे चिट्ठा कहा जाता है।